नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय बहादुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, तो प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वेरिकोसेल के बारे में। आज मैं बात करूँगा कि वेरिकोसेल क्या होता है, इसके होने के क्या कारण है, इसके लक्षण क्या हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके द्वारा हम वेरिकोसेल को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिकोसेल क्या होता है। तो अंडकोश की नसों में आने वाली सूजन के कारण वेरिकोसेल होता है। इसमें अंडकोश के भीतरी नसें बढ़ जाती हैं और आमतौर पर यह किसी गंभीर समस्या का कारण नहीं होता, लेकिन इनमें पुरुषों के प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा तब होता है जब ब्लड पंपिंग करने वाले वाल्व में खराबी आ जाती है, इस खराबी के कारण अंडकोश की नसों का आकार बढ़ जाता है, वहां खून रुकने लगता है, इसलिए वहां सूजन हो जाती है और वेरिकोसेल हो जाता है। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कारण की कि वेरिकोसेल किस कारण से होता है। तो अंडकोश की थैली के अंदर स्वस्थ नसों में एक तरफ से वाल्व ब्लड को अंडकोश तक ले जाता है और फिर उसी ब्लड को हार्ट की तरफ वापस भेज देता है। कभी कभी इन नसों में ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं रुक जाता है, जिसके कारण अंडकोश की नसों में सूजन हो जाती है और वह वेरिकोसेल की समस्या बन जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लक्षण का। तो इसका लक्षण है, आपके अंडकोश में गांठ बन जाती है, उसमें सूजन हो जाती है, उसमें दर्द होता है, अंडकोश किसी भरी हुई पानी की थैली के समान दिखता है, उसमें दर्द होता है और कभी कभी अंडकोश की नसें सूज जाती हैं और गुच्छे जैसा दिखाई पड़ती हैं और उनमें लगातार दर्द होता रहता है। वेरिकोसेल होने पर अंडकोश की साइज में अंतर हो जाता है, दोनों अंडकोश एक समान नहीं होते हैं। जिसमें वेरिकोसेल हुआ रहता है उसका आकार बढ़ जाता है और जिसमें वेरिकोसेल नहीं रहता उसका आकार छोटा रहता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मेडिसिन की। तो इसकी पहली मेडिसिन है रस्टक्स 30। यह वेरिकोसेल के लिए बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है। जब अंडकोश में सूजन हो, उसमें भारीपन हो और उसके साथ साथ बुखार की भी समस्या हो, तो उसके लिए रस्टक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। रस्टक्स देने से मरीज की समस्या ठीक हो जाती है। रस्टक्स 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, तीन बार मरीज को देना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगली मेडिसिन है पल्साटिला 30। यह वेरिकोसेल की बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। जब अंडकोश में गंभीर सूजन हो जाए और अंडकोश से पेट तक दर्द होता हो, तो ऐसे कंडीशन में पल्सेटिला देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। पल्सेटिला 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, तीन बार मरीज को देना चाहिए। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है हेमामेलिस 30। हेमामेलिस वेरिकोसेल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। इसमें स्पर्मेटिक कार्ड में दर्द होता है, अंडकोश में सूजन हो जाती है, उन्हें स्पर्श करने पर वो गर्म मालूम होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हेमामेलिस देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। हेमामेलिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, तीन बार देने से समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है नक्स भूमिका 30। इसमें अंडकोश और स्पर्मेटिक कार्ड दोनों में दर्द होता है, जिन्हें वेरिकोसेल के साथ साथ शीघ्र पतन की समस्या है, उनके लिए यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नक्स भूमिका 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, तीन बार लेने से उनकी समस्या ठीक हो जाती है। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर 6x। यह भी वेरिकोसेल के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यह किसी भी कंडीशन में दिया जा सकता है। कैल्केरिया फ्लोर 6x 4 गोली दिन में तीन बार लेना चाहिए। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है एक जर्मनी का ड्राप है
जिसका नाम है R42। इस मेडिसिन को 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर 3 बार लेना चाहिए। इससे भी वेरिकोसेल बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। यदि आपको किसी मेडिसिन को सेवन करने की आवश्यकता पड़े तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेडिसिन का सेवन करें। तो दोस्तों, ये रहा मेरा वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।